विपक्षी गठबंधन को ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दे दिया है। मोदी के समर्थन में आकर ममता बनर्जी ने बिगाड़ दिया है राहुल गांधी का खेल। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटों पर जीत से ममता बनर्जी खुश नहीं हैं। कांग्रेस के हिस्से में आई विपक्ष के नेता की कुर्सी से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदे में कांग्रेस रही और अब कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन आगे की रणनीति बना रही है, लेकिन इस गठबंधन को अब ममता बनर्जी ने जोरदार झटका दिया है। कांग्रेस को मिली इस मजबूती से गठबंधन के भीतर आपसी टकराव खुलकर सामने आने लगा है। सूत्रों की माने तो ममता एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका दे सकती है। माना जा रहा है कि ममता एनडीए गठबंधन से अपनी राह अलग कर सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख घटक दल है, जिसके पास लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 11 सांसद है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का एनडीए गठबंधन ने बहिष्कार की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने इस बैठक के बहिष्कार की घोषणा की है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ पक्षपात हुआ है। भगवंत मान के अलावा रेवंत रेड्डी तेलंगाना, सिद्धारमैया कर्नाटक, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश, एम के स्टालिन तमिलनाडु ने भी इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बता दें कि 2023 में गवर्निंग काउंसिल की हुई 8वीं बैठक में भी कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया था। इसमें पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के तत्कालीन सीएम केसीआर, राजस्थान के तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत और केरल के सीएम पिनराई विजयन के नाम थे। क्यों ममता बनर्जी के शामिल होने की खबर से बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। अगर ऐसा है तो इंडी गठबंधन को चुनाव के बाद यह बड़ा झटका होगा। बंगाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से अब भी 1.75 लाख करोड़ रुपए मिलना बाकी है, जिस पर मुलाकात के दौरान ममता मोदी से मदद की गुहार लगा सकती है। दोनों में चर्चा भी हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि इस आयोजन में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बंगाल कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करके खुद के हाल और ममता बनर्जी की रणनीति दोनों पर डिटेल्ड रिपोर्ट देकर दुखड़ा सुनाया था। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में बस 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 1 पर ही रह गई। खुद अधीर रंजन चौधरी पारंपरिक बहरामपुर सीट हार गए। अधीर ने सोनिया गांधी से कहा, टीएमसी ने हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, मुझे हराने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया, ममता का टारगेट मुझे हराना था। अधीर रंजन चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं, बस नाम ही काफी है। वो बरसों से ममता सरकार से लोहा लेते आए हैं। वहीं इसी साल चुनाव का ऐलान होने से पहले से लेकर खुद की सीट हारने तक अधीर रंजन कई बार कह चुके हैं कि ममता बनर्जी भरोसेमंद नहीं है, वो बंगाल के हित के नाम पर खेला कर सकती है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, पर कांग्रेसी नेताओं की आदत कुछ अलग तरह की होती है। वे कुल्हाड़ी पर ही पैर दे मारते हैं। कल संसद में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। राहुल गांधी के इशारे पर जरणजीत सिंह चन्नी बहस पर बोलते बोलते ऐसा बहक गए कि कांग्रेस पार्टी की भद पिटवा दी। सदन में खड़े होकर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी और खडूर साहब से सांसद अमृतपाल सिंह का समर्थन करते हुए कांग्रेस को नंगा कर दिया, सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस सिख आतंकवाद संगठन के साथ खड़ी है। चन्नी ने बहस में बोलते हुए कहा कि एक 20 लाख लोगों द्वारा चुने गए सांसद को जेल में बंद किया गया है, यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। बाद में जब सोशल मीडिया पर थू-थू होने लगी, तब कांग्रेस को एहसास हुआ कि भारी मूर्खता हो गई। तुरंत पेबंद लगाने जयराम रमेश आ गए और ट्वीट किया कि यह चरणजीत सिंह चन्नी का निजी बयान है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। पर तब तक भद पिट चुकी थी। कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि वे देश के दुश्मनों के साथ है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदस्यों से कहा कि वह सदन की मर्यादा रखे और आसन को चुनौती न दे। ओम बिरला ने विपक्ष से लाइन क्रॉस न करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य, चाहे वह मंत्री ही क्यों न हो, हमें सदन की मर्यादा का ख्याल रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कार्रवाई रिकॉर्ड में न जा रही हो तब भी इस बात का ख्याल रखा जाए। बिरला ने कहा कि इस सदन की एक मर्यादा है, उच्च परंपरा और परिपाटी रही है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि सदन में अपनी बात रखे, चर्चा में भाग ले, लेकिन कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करे जो संसद की मर्यादा और संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं हो। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्य जितना सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा रखेंगे उतना ही उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ओम बिरला ने कुछ मंत्रियों की ओर इशारा किया जो कि केसी वेणुगोपाल के बोलते वक्त विपक्ष की बेंच की तरफ बढ़े थे। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन की मर्यादा के खिलाफ किया गया कोई भी एक्शन कार्रवाई से हटा दिया जाएगा ताकि सदन सुचारू रूप से चलाया जा सके। इससे पहले स्पीकर ने फर्स्ट ऑफ हाफ में सदस्यों को दो बार चेतावनी दी थी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भाजपा सदस्य की भाषा पर सवाल उठाया था। इस पर ओम बिरला ने कहा था कि सदस्यों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके किसी भी आचरण से सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने सदस्यों को भी यह सलाह दी कि वे आसन से बहस न करें। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी और भाजपा के रवनी सिंह बिट्टू के बीच सदन में जोरदार बहस छिड़ी थी। बाद में शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। इससे पहले सदन में बुधवार को केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा गंगोपाध्याय ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके वक्तव्य के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कोई टिप्पणी की, जिस पर पलटवार करते हुए गंगोपाध्याय ने उनके लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। इसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया था और माफी की मांग की। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज 16 जुलाई को सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर कांग्रेस सांसद की जमकर क्लास लगाई है। राज्यसभा में किसानों की समस्या को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहे थे कि राहुल गांधी के करीबी मार्गदर्शक जयराम रमेश ने उन्हें टोकने की कोशिश की। इस पर सभापति ने उन्हें जबरदस्त तरीके से लताड़ दिया है। दरअसल राज्यसभा में शुक्रवार को किसानों को लेकर पूछे गए एक सवाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, हंगामा कर उनका अपमान मत कीजिए। सभापति इतना बोल ही रहे थे कि कांग्रेसी सांसद जयराम रमेश टोका टोकी करने लगे। इस पर सभापति ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, आप एक समस्या की तरह हैं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे, आपको किसान के बारे में कक गग भी नहीं पता है। भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति जयराम रमेश यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है? नहीं पता क्या नहीं पता आपको किसान का? नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए माननीय मंत्री जयराम रमेश को लताड़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वीडियो को शेयर कर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश पर जबरदस्त तंज कस रहे हैं। आप भी देखिए लोग क्या कह रहे हैं। वैशाली पोदार ने एक्स पर लिखा, जयराम रमेश आपको किसान का कका गगा भी नहीं पता। उपराष्ट्रपति जी हर क्षेत्र के तथाकथित एक्सपर्ट जयराम रमेश को आईना दिखा दिया। लोकसभा में जल्दी राहुल गांधी का नंबर भी आएगा। आपको बता दें कि सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की। हंगामा न थमने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत किसान प्रधान देश और कृषि प्रधान देश है, साथ ही किसानों की समस्या पर चर्चा सदन में हो रही है, लेकिन इसे हंगामा कर बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूं और किसानों की समस्याओं से अवगत हूं। सदस्यों ने सवाल पूछे और कृषि मंत्री ने जवाब दिए हैं। अगर सदस्यों को उनके जवाब पर आपत्ति हो तो समुचित तरीके से उन्हें उठाया जाए। हंगामा करना ठीक नहीं है। अन्नदाता की इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, हंगामा कर उनका अपमान मत कीजिए। सभापति ने आगे कहा,
मुझे पता है कि आप किसानों की चिंता नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनीति कर रहे हैं। आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा होने ही नहीं देना चाहते। किसानों से क्या बैर है आपको? अपने गिरेबान में झांकिए, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से शांत होने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सदस्य रणदीप सुरजेवाला को अपने स्थान पर बैठने और कार्रवाई चलाने देने के लिए बार बार आगाह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा ना होने पर वह सदस्य का नाम लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली खाद्य पदार्थों की दुकानों में मालिकों का नाम लिखने के यूपी सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यूपी सरकार ने इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी करने का आग्रह करते हुए कहा, अन्यथा कांवड़ यात्रा पूरी हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर 5 अगस्त सोमवार को सुनवाई करेगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों का नाम लिखे जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में यूपी सरकार में कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि यह निर्देश कांवड़ियों की शिकायतों के बाद ही लाए गए हैं। कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा के दौरान उनके भोजन के संबंध में पारदर्शिता के लिए यह निर्देश दिया गया है। इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। यूपी सरकार ने कहा कि कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं और कहां खा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में शांति, सुरक्षा और व्यापक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश लाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को इस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ढाबा, रेस्टोरेंट, फल सब्जी विक्रेताओं, फेरी वाले यह तो बता सकते हैं कि वे कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें दुकान मालिकों या फिर उनके यहाँ काम करने वालों के नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यूपी सरकार ने इस आदेश को लागू होने के बाद दुकानों की कुछ फोटो भी अदालत में बतौर सबूत पेश की है। इन फोटो के माध्यम से सरकार ने बताया कि इस आदेश के बाद पता चला कि राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबे के मालिक का नाम वसीम है। इसी प्रकार पंडित जी वैष्णो ढाबे का मालिक सनवर है और राजधानी खालसा ढाबे का मालिक फुरकान है। दुकान के इन्हीं नामों की वजह से कांवड़िए जो भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए नंगे पैर जाते हैं उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। वो इन दुकानों पर खाना खा लेते हैं जिससे उनकी भावनाएं आहत होती है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के इन निर्देशों पर रोक लगा दी थी। बेंच ने कहा था कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों के नाम पहचान प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ रूटों पर दुकानदारों एवं वहां काम करने वालों के नाम दर्शाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी के साथ ही दोनों राज्यों को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे मांसाहार बेचते हैं या शाकाहारी खाना। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दाखिल की थी। सिंघवी ने दावा किया था कि यात्रा के दौरान नाम दिखाने वाला यह आदेश अल्पसंख्यकों के बायकॉट का जरिया बनेगा। सिंघवी ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि इस संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं है बल्कि आदेश को अस्पष्ट भाषा में लिखा गया है। यूपी सरकार ने 19 जुलाई को एक आदेश जारी कर कांवड़ रूट के सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था, जिस पर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रायबरेली, वही रायबरेली जहां से राहुल गांधी मौजूदा सांसद है और पिछले लंबे समय से सोनिया गांधी वहां से लोकसभा में चुनाव जीत कर आई है। अब खुलासा यह हो रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया और बांग्लादेशियों को नागरिकता दिलाई गई है। रायबरेली में एक दो नहीं बल्कि कुछ आंकड़े हैं जो अलग अलग आ रहे हैं। एक जगह आंकड़ा 20,000 का है तो दूसरी जगह आंकड़ा 60,000 का है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का ऐसा मामला सामने आया है जो आपको दंग कर देगा। 100-200 नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यूपी के रायबरेली जिले में फर्जी प्रमाण पत्र बनने के मामले का खुलासा होने के बाद पूरे प्रदेश में इसकी जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं।
सूत्रों की माने तो सभी जिलों के डीएम को जन्म प्रमाण पत्रों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं डीजीपी मुख्यालय की ओर से पुलिस को भी जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया है। प्रमाण पत्र बनवाने में पीएफआई के सदस्यों की भूमिका की जांच का जिम्मा एटीएस को सौंपा गया है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के स्थानीय विधायक अशोक कुमार कोरी का कहना है, ये बड़े पैमाने पर इलाके के वोट बैंक को प्रभावित करने की साजिश है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग हुई, हो सकता है इस फर्जी वोटिंग का यह जन्म प्रमाण पत्र हिस्सा हो। यह एक जिले का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। जिले के सलोन कस्बे में एटीएस द्वारा जांच में पकड़े गए करीब 20,000 फर्जी प्रमाण पत्रों की कड़ियां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ती नजर आ रही है। एटीएस की जांच में यह बात सामने आ रही है कि यहां पर घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने का षड्यंत्र चला जा रहा था। इसके बदले जन सेवा केंद्र संचालक जीशान खान सोहेल और रियाज ने मोटी कमाई की थी। इसी कमाई के दम पर इन्होंने रायबरेली व लखनऊ में करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बनाई है। स्थानीय संवाददाता के मुताबिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सलोन के तार अब अन्य राज्यों कर्नाटक, केरल और मुंबई से जुड़ चुके हैं। इस महीने कर्नाटक पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के एक सदस्य को दबोचा था। इसका जन्म प्रमाण पत्र भी यहीं से बना था। जांच के लिए टीम रायबरेली पहुंची तो धीरे धीरे मामला खुलने लगा। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सलोन के भाजपा विधायक अशोक कुमार कोरी का है। इन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। शुरू में तो जिला प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब ऊपरी स्तर पर शासन के द्वारा जांच एसटीएफ को सौंप दी गई तब मामले ने तूल पकड़ा। विधायक अशोक कुमार के अनुसार 19,180 प्रमाण पत्रों में से 810 प्रमाण पत्र ही भारतीयों के बने हैं, बाकी सब बांग्लादेश व अन्य जिलों के लोगों के बना दिए गए हैं। इस मामले में ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव की यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके सीएससी संचालक मोहम्मद जिसान, रियाज और सोहेल खान ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला दूसरे राज्यों के रास्ते आए अवैध घुसपैठियों को नागरिकता दिलाने या किसी आतंकी संगठन के लोगों को यूपी में बसाने की साजिश तो नहीं है। ऐसे में आपका क्या कहना है, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में अपने स्पीच के दौरान कांग्रेस की किरकिरी करा दी। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने जेल में बंद खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के जेल में बंद होने का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार की तुलना इमरजेंसी से की। चन्नी के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने चन्नी के बयान को अलग कर दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान गुरुवार का है, जब संसद का बजट सत्र चल रहा था। इसी दौरान मौका दिए जाने पर कांग्रेस सांसद ने अमृतपाल सिंह को लेकर केंद्र सरकार से यह सवाल कर दिया, लेकिन कांग्रेस सांसद शायद यह बात भूल गए कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का मसला केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्य सरकार का है, और राज्य में उसी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कांग्रेस की अगुवाई में बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी के सवालों का जवाब रवनीत बिट्टू ने संसद में ही दे दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के अमृतपाल को समर्थन करने का कांग्रेस को भारी कीमत उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पंजाब का इतिहास गवाह है कि खालिस्तान को पहले खाद पानी देने और फिर उसे कुचलने की कोशिश में पंजाब दशकों तक जलता रहा है और उसकी तपिश आज भी मौजूद है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी अलगाववादी अमृतपाल सिंह का समर्थन करते हैं। क्या यह जय संविधान है? भारत के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले अलगाववादी का समर्थन करना। राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या का कारण बने खालिस्तान के विचार का समर्थन किया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन क्यों करती है?
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चन्नी के बयान पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी था। कांग्रेस खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है, वाहरे कांग्रेस, जय चन्नी। ये भारत की संप्रभुता पर हमला है, चन्नी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को चरणजीत सिंह चन्नी को निष्कासित करना चाहिए। चन्नी कनाडा के इशारे पर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, अगर कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इन असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की स्पीच से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं और किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन समर्थक है। पिछले साल अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर NSA लगाया गया था। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने 2024 का चुनाव जेल से लड़ा। पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से अमृतपाल सिंह 4 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल किए हैं। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर उनको लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति मिली और अमृतपाल सिंह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शपथ लेने संसद पहुंचे थे। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।